जय जोहार, मैं हूं नवीन और आप मन देखा था न्यूज 36 के खास कार्यक्रम दिन भर के जबर खबर। दिन भर के जबर खबर में हम बात करबो आज दिन भर छत्तीसगढ़ के बड़े खबर में जिन सुर्खी बने रही से, जिन चर्चा में रही से। तो सबसे पहली बात करबो चुनाव के, निकाय चुनाव के। तो बात करी जो 15 जगह के निकाय चुनाव रही से, वो ठीक 5 बजे आज खत्म हो गए और वोटिंग खत्म हो गए। बता दें कि नगरी निकाय के 370 वार्ड में 13,045 उम्मीदवार मन के किस्मत दांव में लग रही से। 4 नगर निगम बिरगांव, भिलाई, चरोदा और इसाली में 809 प्रत्याशी मैदान में उतरे रही से। यही तरह से 5 नगर पालिका यानी कि बैकुंठपुर, शिवपुर, चर्चा, खैरागढ़, जामुल, सारंगढ़ और 6 नगर पंचायत प्रेमनगर, नरहरपुर, कोंटा, भैरमगढ़, भोपाल, पटनम और मारो में कुल 536 प्रत्याशी मैदान में उतरी से। ये जगह मतदान पर 12,000 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी मन के ड्यूटी लगाए गए से। राज्य निर्वाचन आयोग है मतदान केंद्र में कोनो भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर प्रतिबंध लगा दे रही है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना पूर्णतः प्रतिबंध रही है, जैसे मोबाइल ले जाना मना रही। सो हम देखे भी हैं कई मतदान केंद्र में कि मोबाइल जो लेके जात्री सोला दरवाजा में ही रोक दे जात्री से। यही तरह से मतदान पर 18 प्रकार के पहचान पत्र घलो मतदाता मन उपयोग करी। कोविड पेशेंट पर भी सरकार है, प्रशासन है मुस्तैद दिखी। कोविड पेशेंट मन पीपीटी किट पहन के मताधिकार के प्रयोग कर सकी, ऐसे चुनाव आयोग निर्देश जारी करे। जैसे और जैसे कोरोना संकट अभी चलत है पूरा देश के संग संग प्रदेश में भी, ओला देखत हुए भी मतदान केंद्र में स्वास्थ्य कर्मी मतलब तैनात करे गरी से। तो सबले कई जगह जहां मतदान हुई से वहां कई जगह छुटपुट घटना के भी आंखू आई। दिन भर हम देखें कहीं कुकर बांटे ला लेके होते तो बिरगांव में देखें तो बिरगांव में 2-3 बार ऐसे माहौल आए बनीस कि दोनों पार्टी जो मुख्य पार्टी है तकर ऊपर झड़प भी हुई। तो बिरगांव में फर्जी वोटिंग के पहला शिकायत भी आई। वार्ड क्रमांक 23 के मामला है जहाँ एक शख्स वोटिंग करे मतदान केंद्र पहुँचे से जी हाँ उनका नाम के वोट पहली ले ही डल गरी से। अधिकारी मन के मामला में जांच के बाद कहा थे बिरगांव में ही फर्जी मतदान के बाद मतदाता सूची से नाम गायब होए के मामला भी आगू आई से। जब वार्ड 29 में से मई के वार्ड 29 में 27 लोगों के नाम मतदाता सूची ले गायब मिली, जेकर बाद हड़कम मच गई। बताया जाते कि एक दिन पहले ही इन 27 लोगों के नाम सूची में रही से। एकरो जांच कराए के बात कहते अधिकारी मन निकाय चुनाव के रुझान के पहली बवाल के रुझान आयला शुरू हो गई। बिहनियाले हम जैसे देखें बिहनिया 11 बजे 12 बजे के बाद जैसे वोटर मन के भीड़ बढ़े लगी मतदान केंद्र में, उसने उसने कई जगह ले बवाल के भी खबर हमला सुने ले मिली। निकाय चुनाव ले के मतदान में जगह जगह छिटपुट बवाल भी होत रही से। बिरगांव का फर्जी वोटिंग जैसे हम बताएं कि बात आगू आई। यही बीच बिरगांव में ही वार्ड नंबर 12 में के हंगामा के भी एक खबर आई से। वोट करे पहुंचे महेश दास के आरोप रही कि वो मतदान केंद्र जैसे पहुंची सोकर वोट पहले ले ही डल गई से। जैसे हमन बताएं कि बेंडल एक फर्जी वोट के पहला मामला बिरगांव ले जा रही से। वही वार्ड 12 और 11 में रामाभाटा में बवाल मचाई अजय चंद्राकर पूर्व विधायक और नारायण चंदेल। बता दें कि उनका कहना रही से कि रायपुर बिरगांव इलाका में फर्जी वोटिंग हुआ थे मझनिया वो वक्त आओ जब बवाल मच गए जब भाजपा विधायक था पूर्व कांग्रेस विधायक के बेटा ऊपर बूथ में जाके फर्जी वोटिंग डलवाए के आरोप लगाई। बता दें कि चंद्राकर अजय चंद्राकर के कहना रही से कि जो कांग्रेस विधायक ओकर बेटा जैसे पंकज शर्मा वो बूथ के अंदर गई सो सीसीटीवी ला बंद करवा के फर्जी वोटिंग डलवाई चला लेके जम के हंगामा मचीस बिरगांव इलाका में। बता दें कि पंकज शर्मा के कहना रही से कि जो अजय चंद्राकर आरोप लगाते वो पूरी तरीके से निराधार है। तो इसने बात कर वो राजनांदगांव में, तो राजनांदगांव में आज वार्ड नंबर 17 में उपचुनाव पर मतदान हुआ तरी से। भाजपा के तुलसीपुर वार्ड में मतदान पर मतदान के दिन कांग्रेसी मन कुकर बांटे के आरोप लगाई। बता दें कि एक दुकान में कुकर घलों बरामद करेगी। इस मौका में पुलिस पहुंची और मामला के जांच कर रहे।
तो हम टीम लोग बोलबो कि पूरा वो जो मामला है राजनांदगांव के जो कुकर वाला मामला है तेला दिखाए हमारे दर्शक मल्ला का मामला रही से कौन सा दुकान से कुकर बरामद हुई से और नेता प्रतिपक्ष का आरोप लगाई से। हनी करेवाल माल कौन रखवाया है यहाँ पर? अब नाम मेरे को मालूम। क्या नाम है भाई? भैरव। कहाँ से आए हो? चार से। किसका माल है वो? कांग्रेस का माल है। अच्छा, कब से रखे हो? मैं उसका नौकर हूँ, मेरे को बोला दूसरा माल ला के रखता तब मैं यहाँ बसता हूँ। किसका माल रखे हैं उसका नाम बताइए। नहीं मालूम है अभी तो। हनी करेवाल कुछ नाम बोले। उसके गेरवाल का आदमी हूँ मैं, उसके पास काम करता हूँ उसके घर पे। किसके यहाँ? कौन? गेरवाल। हनी गेरवाल। कुछ पैसे वैसे मैं बेच रहा हूँ कि कैसे बेच रहा हूँ? कितने दिन से माल रखा है? कितने दिन से माल रखा है? माल तो अभी हुआ है, अभी तुरंत रखा है क्या जी? अभी रखा है। कुछ पैसे वैसा लेके बेचते हो कि ऐसे फ्री में दे रहे हैं? मेरे को नहीं मालूम भाई। किस टाइप का देते हो? पर्ची देते हो? किस टाइप का आता है तुम्हारे पास आदमी देने के लिए? मेरे को नहीं मालूम, पर्ची दूसरा लेके रखते थे, मैं सिर्फ सामान रख दिया हूँ बस हो गए। ये जो मेरे हाथ में जो पर्ची दिख रही है ये वार्ड नंबर 17 तुलसीपुर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो घर घर जा करके लोगों को बांट के आई है, वोट दीजिए, उसके बाद में जा करके उनका जहाँ पे अड्डा है वहाँ से कुकर ले जाइए। हम जो खड़े हैं वो उनका कुकर का अड्डा है। अभी तहसीलदार साहब ने शटर खोल करके देखे, बहुत सारी संख्या में कुकर रखी हुई है, हमने लोगों को ले जाते हुए भी देखे, पकड़ा है। ऐसी कांग्रेस की इतनी क्या मजबूरी आ गई कि लोगों का वोट खरीदना पड़ रहा है? अभी 3 साल की उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं तो फिर उस जश्न के आधार पर उन्होंने उनकी जो उपलब्धि है 3 साल की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार ने काम किए हैं उस उपलब्धि के आधार पर वोट मांग लेते हैं। नादगांव के साथ या तुलसीपुर के साथ में कांग्रेस ने कोई न्याय नहीं किया है, बल्कि नादगांव के साथ पिछले 3 साल से अन्याय हो रहा है, इसलिए उनको वोट खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन वो भूल रहे हैं ये तुलसीपुर की जनता है, सच जो है, और जिन्होंने उनका साथ दिया, जिनके साथ में उन्होंने काम किया है उसके साथ खड़ी है। पर्ची में नंबर भी लिखा हुआ है। पर्ची में नंबर लिखा हुआ है, मैंने कुछ लोगों का नाम भी लिखा हुआ, लेकिन चूंकि मुझे ऐसा लगता है नाम सार्वजनिक करना जो लेने आए थे मेरे ख्याल से उचित नहीं है। मेरा आपके माध्यम से कलेक्टर महोदय जो निर्वाचन अधिकारी भी है उनसे मांग है कि इसमें जितने लोग दोषी हैं उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, और जरूरत पड़ी तो हमारी तो मांग है कि इस चुनाव को जो है निरस्त किया जाए, फिर से चुनाव किया जाए। तो देखा अपन राजनांदगांव में कुकर बांटे के आरोप लगे से। बता दें कि चुनाव मतदान के 1-2 दिन पहले ही मतलब कई जगह ले अवैध शराब बांटे के भी खबर मिलत रही से। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते, मतदान के दिन नज़दीक आते, अमन अमूमन देखन कंबल बांटे, मुंदरी साड़ी ये सब बांटे के आरोप लगत रही थे, कई जगह पकड़ाते भी। फिर एक का कार्रवाई होते और बाद हम कभी पता नहीं चले। अब बात करबो धमतरी के, तो धमतरी में भी शासकीय वाहन में वार्ड भ्रमण सहित पोलिंग बूथ के कना प्रवेश के आरोप लगाते हुए भाजपाई मन जिला पंचायत अध्यक्ष के शासकीय गाड़ी ले पकड़ीस। भाजपाई मन जिला पंचायत अध्यक्ष पर आचार संहिता के उल्लंघन करते हुए मतदान प्रभावित करे के आरोप लगाई और चुनाव अधिकारी से कार्रवाई के मांग करते हुए हंगामा करीस। उसने बात अब कांकेर के, तो कांकेर में भानु प्रतापपुर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 9 में भी उपचुनाव भर मतदान हुई। इस उपचुनाव में बीते रात भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गई। देर रात करीब 2 बजे दोनों पार्टी के कार्यकर्ता मन के बीच जम के मारपीट हुई, जेकर बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करे थाना पहुंची। अब बात करबो बिलासपुर में, तो बिलासपुर के एक वार्ड में उपचुनाव रही से। बता दें कि वार्ड क्रमांक 29 संजयनगर गांधी वार्ड में उपचुनाव पर मतदान चलत रही से। मतदान केंद्र के बाहर राजनीतिक तनाव बरकरार रही से। बता दें दिन भर कुछ न कुछ होते से, मगर मतदान केंद्र के बाहर झड़प भाजपा और कांग्रेस के बीच तब हो गई जब कांग्रेसी विधायक बूथ के अंदर प्रवेश करी। बता दें कि कांग्रेसी विधायक के बूथ में प्रवेश करे के बाद भाजपाई और कांग्रेसी में भिड़ंत हो गए। बता दें संजय गांधी नगर वार्ड 29 में चले के शूटिंग के दौरान बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़ गई मतदान केंद्र के अंदर। एमएलए मतलब विधायक के जाए के लले के बीजेपी है घोर आपत्ति जताई, वही विवाद में बीजेपी और कांग्रेस में जमकर धक्का मुक्की हो गई। हालांकि पुलिस
स्थिति काबू करीस। बताया जाते हैं कि पूर्व महापौर किशोर राय कांग्रेस एमएलए के अंदर जाने लेके आपत्ति जताईस, देकर बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गए। मैं अपन टीम ला कहूँ कि जो धक्का मुक्की के विजुअल है वो हमारे दर्शक मन ला दिखाए कैसे भाजपा और कांग्रेस के मन एक दूसरे के मन झड़प हो गई। एमएलए के जाए के बाद जो पूर्व महापौर है किशोर राय ओकर आपत्ति जताए के बाद जोरदार कांग्रेसी और भाजपा के बीच झड़प हो गए। जैसे अपन तस्वीर में देखा था एमएलए के बूथ के अंदर जाए के बाद जो पूर्व महापौर है किशोर राय तेना आपत्ति जताईस, तेकर बाद भाजपाई और कांग्रेसी मन के बीच जोरदार झड़प हो गए। मतदान के बेरा बिलासपुर संजय नगर वार्ड के घटना गहमा गहमी के बीच माहौल बन गई से थोड़ा देर पर, हालांकि पुलिस पहुंच के मामला ला जैसे तैसे शांत कराई। तो छत्तीसगढ़ में कड़ाके के ठंड पड़ना शुरू हो गए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के कई इलाका में 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री पारा पहुंच गए है। बात करें जसपुर के तो जसपुर एक दिन कड़ाके के ठंड के चपेट में है। ठंड इतना है कि क्षेत्र में पारा 2 से 3 डिग्री के आसपास पहुंच गए है। पहाड़ी इलाका के बात करें तो यहां न्यूनतम तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच गए है। आलम है कि भिन्निया घास और पेड़ के पौधा पत्ती में भी बर्फ के परत जमे लगे है। कड़ाके के ठंड पड़े से तीर आम जनजीवन प्रभावित होते। जैसे हम अमूमन देखें मैनपाट इलाका हो गया या कवर्धा के जो चिल्फी घाटी हो गए वहाँ इतना कड़ाके की ठंड पड़ते कि हम लोग बहना जो बर्फ के चादर रही थे वो देखे ला मिलते। उसने जसपुर इलाका में भी देखे ला पड़ी। बात कर वो सबसे ठंडा वो चीज़ के तो पेंड्रा में सबसे ठंडा पारा दर्ज करे गई। पेंड्रा में 3 से 4 डिग्री के पारा रही से नज़दीकी जो अमरकंटक है उनको बर्फ के चादर पड़े ऐसे बताया जा रही से बर्फ के चादर पड़ गई। ठंड इतना है कि पूरा शहर कोहरा में ढक जाते बादल और पहाड़ी अपन आगोश में ले लिए। कोहरा की हटा थे घाटी के नज़ारा देखा बनते। पूरा जसपुर एक दिन शीतलहर के चपेट में है। अंचल में पड़ कड़ाके के सर्दी के स्थिति आम जनजीवन में सीधा प्रभाव पड़ा थे। बता दें कि मौसम विभाग अभी ठंड से निजात के कोई राहत वाला खबर नहीं दिए है। ठंड अभी आओ बढ़ी और जो पहाड़ी इलाका है जैसे हम बात करें कवर्धा के चिल्फी घाटी या जसपुर या मैनपाट इलाका अंबिकापुर ये सब कड़ाके के ठंड में चपेट में रही। बात कर वो बिलासपुर रायपुर के तो कल भी रायपुर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज करेगी जैसे रात के तापमान है उसने बिलासपुर में भी 8 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज करेगा जैसे। तो अभी फिलहाल जो ठंड के मजा लेवा छत्तीसगढ़ में काबर की अवैया दिन अभी हफ्ता 10 दिन ठंड से निजात मिलना के नाम वो चीज़ है ऐसे मौसम विभाग के कहना है। अभी लगातार ठंड के सितम जारी रही। तो अभी रुका था छोटकिन ब्रेक पर। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ के और बड़े खबर में फिर चर्चा करबो। अभी रुका था छोटकिन ब्रेक पर। देखत रहो न्यूज 36 के खास कार्यक्रम दिन भर के जबर खबर। सोना उगाए हमर भुइया, सुख दुख के ये हमर खेवैया। माटी है चंदन, भुइया ला बंदन, खेत खलिहान है हमर जहान। पबरित भुइया हमर महान, हाड़ा तोड़ मेहनत करथन, जम्मो देश के कोठी भरथन। कभू नहीं मानन हमन हार, हमरे ताये खेत खार।
देखो खेत खार आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी जिन न्यूज चैनल न्यूज 36 जिन चला थे तेल में बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। एकर से छत्तीसगढ़ी हमारे जिन मातृभाषा है इमें जब समाचार मिली तो में एक अपनत्व के जिन भाव है अपन अपनापन के जिन लगी तेकर कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। तो जिन अपन भाषा में जिन बात कहे जाइए तिन दूसर तक हृदय तक पहुँचते तेकर बार न्यूज 36 ले बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ के हमर अपन चैनल न्यूज 36 का होते खबर चिल्ला चिल्ला के बताना आप मल्ला डराना हो हल्ला मचाना झूठा खबर दिखाना या भ्रम के जाल फैलाना नहीं ना तो फिर ऐसन खबर ला आप मन खबर कहिया कब तक एक तरफा जुलूम ल सही हा। अब बारी है साफ सुथरा समाचार देखे के बिना लाग लपेट के सही और सटीक समाचार जिमा आपो मन दे सकत हो अपन विचार हमर हर खबर में दे सकत हो अपन राय कोनो भी सोशल मीडिया में जम्मो खबर अब कोनो भी मुद्दा ऊपर दे सकत हो अपन राय आप मन के हर राय हर विचार हर परेशानी हर समाचार ला हमन दिखाबो प्रमुखता ले काबर की ये चैनल हरे आपे मन के है आवाज छत्तीसगढ़ के आवाज। ब्रेक के बाद आप मन के स्वागत है। तो अब बात करबो प्रदेश में कोरोना के स्थिति ल लेके। बता दें कि छत्तीसगढ़ में विदेश से आवाजाही के बीच कोरोना संक्रमण के नवा वेरिएंट ओमिक्रॉन के आशंका बरकरार है। रविवार के रायगढ़ में एक ऐसे व्यक्ति कोरोना संक्रमण के पुष्टि हुई जो कनाडा ले लौटे रही से। स्वास्थ्य विभाग ये नमूना जीनोम सिक्वेंसिंग पर भुवनेश्वर भेज दिए है। बात करें प्रदेश में 27 नवंबर ले 18 दिसंबर तक त 1000 से अधिक लोगन विदेश ले आ चुके हैं जिमा 6 लोगन में कोरोना संक्रमण पाए गई से। बिलासपुर के 2 मुसाफिर के जीनोम सिक्वेंसिंग के रिपोर्ट आ गए है। राहत के बात यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट मौजूदगी नहीं मिली लेकिन अभी 4 नमूना के रिपोर्ट आना बाकी है। बता दें कि प्रशासन के दावा है कि उमन विदेश ले लौटे लोगन होम क्वारंटाइन कर दिए है ओकर संपर्क में आए लोगन के भी जांच करे गए है। छत्तीसगढ़ में आप बात करें कोरोना के तो रविवार के 11,143 नमूना के जांच करे गई से एमा से 21 लोगन में कोरोना संक्रमण के पुष्टि हो है। सबले अधिक 9 मामला राजधानी रायपुर में आगुआ है ओकर बाद रायगढ़ में 5 और जिला में 3 नवा मामला के पुष्टि हुई। रविवार के कोरोना से कोरो के मौत के होए के खबर नहीं आए है। राहत के बात यह है बता दें कि प्रदेश में भर में अभी 332 मरीज रायगढ़ में सबसे ज़्यादा एक्टिव मरीज मार्च 2020 में कोरोना के पहला मामला आगू आए के बाद अब तक छत्तीसगढ़ में 10,07,399 लोगन संक्रमित हो चुके हैं एम से 9,93,472 मरीज ठीक होके स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुख के बात है कि 13,595 लोगन ला कोरोना के चलत अपन जान गंवाना पड़ी। प्रदेश में अभी भी 332 मरीज के इलाज जारी है एम सबसे अधिक 83 मरीज अकेला रायगढ़ जिला में है। दुर्ग जिला में 43 और रायपुर में 39 मरीज सक्रिय है। बिलासपुर में भी 32 एक्टिव केस है। 5 जिला में वह राहत के बात करें तो 5 जिला में अभी तक कोरोना के कोई मामला नहीं आए देखे ले मिली। रविवार के प्रदेश में 5 जिला ऐसे है जेमा बेमेतरा महासमुंद जसपुर कोंडागांव और नारायणपुर जिला ऐसे है जहां कोरोना संक्रमण देखे ले नहीं मिली। वही 22 जिला जो रविवार के है वहाँ भी कोरोना संक्रमण राहत देखे ले मिली।
तो प्रदेश में बात करबो नवा जिला के, सीएम नवा जिला के घोषणा तो कर दीस, फिर नवा जिला ले के कहीं खुशी है तो कहीं गम भी है। तो बात करबो बरमकेला के, रायगढ़ जिला के बरमकेला के, बरमकेला के मन अपन आपला सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में शामिल हो ले नाराज है। बता दें कि एकर आपत्ति करत आज हजारों के संख्या में बरमकेला के लोगन मन तहसील ऑफिस पहुंच के चक्का जाम करत हुए प्रदर्शन करें। लोगन मन बरमकेला ला रायगढ़ में ही यथारवत रखे के मांग करत है। बता दें कि लोगन मन के कहना है कि बिलाईगढ़ ले दूरी के चलत क्षेत्र के लोगन मन में भारी आक्रोश से हजारों लोगन मन आज तहसीलदार के माध्यम से एकर आपत्ति दर्ज कराई। जैसे कि तस्वीर में देखा था कि चक्का जाम कर गई से, एक प्रकार से बरमकेला के लोगन मन उमन सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में अपन आपला शामिल हो से मना करत है, उमन के आपत्ति जता थे, तहसीलदार से मिलके एक आपत्ति जताई। हजारों के संख्या में लोगन मन इकट्ठा हो गई। उनके कहना है कि बिलाईगढ़ से उनके जो बरमकेला के दूरी है किला लेके उमन वाला आपत्ति है, एक सकिन उमन नवा जिला में शामिल ना होके जो रायगढ़ जिला में रहीस पहली ले बरमकेला है तेला यथावत रखे जाए। जैसे कि तस्वीर में आप देख सकता हजारों के संख्या में लोगों ने आपत्ति दर्ज कराए, तहसील ऑफिस पहुंची, तहसील ऑफिस तहसीलदार के माध्यम से लाले के आपत्ति जताई। उनके कहना है कि उनके बरमकेला ला रायगढ़ जिला में ही यथावत रखे जाए, न कि नवा जिला जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ बनने वाला है। 16,000 लगभग मिला है, और इसी तरह से ग्राम पंचायत 96 पंचायत हैं, उसमें 85 पंचायत का मिला है, और 3 जिला पंचायत सदस्य हैं जिसमें से 2 जिला पंचायत सदस्यों का भी मिला है, और जनपद पंचायत का मिला है आपत्ति की रायगढ़ में रहना है। इसी प्रकार सरिया और भरमखेला नगर पंचायत का भी आपत्ति आया है कि हम लोग रायगढ़ जिला में रहना चाहते हैं, सारंगढ़ में नहीं जाना चाहते। विकास खंड के सभी 96 ग्राम पंचायतों से, सभी 224 गांवों से 16,000 से भी ज्यादा लोग उपस्थित होकर के 16,000 आवेदन आज माननीय तहसीलदार महोदय को दिया है कि हम रायगढ़ जिले में ही रहना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जैसे ही आप लोगों का दावा आपत्ति आएगा तो आपकी सुविधा के अनुसार आप रहेंगे। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इतने लोगों की जनभावनाओं को देखते हुए और हमारी बिलाईगढ़ में असुविधा को ध्यान में रखते हुए हमको रायगढ़ जिले में ही रखें, और इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने आज आवेदन दिया है। मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात पर ध्यान। तो जी हाँ, नवा जिला बन गए हैं, वो भी लोगन मतलब परेशानी है, और जेकर जिला नहीं बन पाए वह मन परेशान है। तो बात करबो अब बिलासपुर ले, तो आप मन ऐसा चोरी के बारे में शायद ही सुने हो, बिलासपुर ले एक अनोखा चोरी के घटना सामने आए हैं। बता दें कि जैसे ही जाड़ा पड़े लगते छत्तीसगढ़ में, वैसे यहाँ के घर घर में बड़ी बिजौरी बने लगते, वैसे मामला आज आए बिलासपुर ले। बिलासपुर के सरकंडा इलाका के विहार मुस्कान में बड़ी चोरी हो गए, सुखद हुए बड़ी 4 किलो के बड़ी चोरी हो गए। बता दें कि चोरनी के तस्वीर सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गए। मामला सरकंडा के बिहार मुस्कान के, जहां रानी सोनी किराए के मकान में रह के रहते हुए यही बड़ी के काम करते, जो आर्डर में लेके बड़ी बनाते ओकर सप्लाई करते, तो वही ले के 4 किलो के तकरीबन बड़ी ला बना के आंगन में सुखाए रिसे। जैसे हमन सीसीटीवी के फुटेज में देख सकत हन, एक औरत आई नकाब मतलब पहने गमछा मुँह में ढके, और वो बड़ी लले के जम्मू बड़ी लले के फरार हो गए। तस्वीर में अपन साफ देख सका था कि महिला अचानक दरवाजा ले घुसी, सब एती होती देखा थे, मुआयना करे थे कोई है कि नहीं है। ओकर बाद पूरा बरीला जो सुखाए रहे थे चादर या जो कपड़ा में हमन सुखाए रही थन ओकर समेत लेके फरार हो गए।
रानी सोनी के घर में लगे सीसीटीवी में तस्वीर कैद हो गए, बड़ी चोरी के तस्वीर को कैद हो गए। बता दें कि अपन तरह के अनोखा चोरी कहे जा सकत हेला। आप मन कई प्रकार की चोरी सुने हो हाँ, मगर बड़ी बिजोरी की चोरी पहली बार तस्वीर में आप मन देख सकत हो। तो अपन तरह के अलग प्रकार के चोरी जिमा अपन तस्वीर में देखे है, कैसे महिला आई और सुखद हुए बड़ी ला ऊपर आसपास खड़े होके एती उती देखे लगी, कोई देखत तो नहीं है और मौका पाती ही 4 किलो के बड़ी ला लेके रफू चक्कर हो गए। मजे के बात यह है कि मोहल्ला वाला मन के कहना है कि उकरो यहाँ जो सुखाए बड़ी रही थे उकरो कई दिन ले चोरी होते बड़ी बिजौरी के, एकर मोहल्ला वाला मन शिकायत थाना में भी करे है। बता दें कि थाना में भी एकर शिकायत हो गए है, जो अज्ञात चोरी नहीं है जो बड़ी बिजौरी ले चोरा थे एकर शिकायत थाना में भी करे गए है। लोगन मन के कहना है कि जल्द से जल्द एकर से निजात मिले और चोरनी ला पुलिस पकड़े। हम अपन टीम ले कहबो कि एक बार फुल स्क्रीन में फिर दिखाए के कोशिश करें कि कैसे महिला आईस मुँह में गमछा बांध के और इति उति देखीस और 4 किलो के बड़ी ला लेके फरार हो गए। जैसे आप मन स्क्रीन में देखा था महिला मुँह में गमछा बांध के आ थे, इति उति मुँह आईना करे थे, सामने में जो आंगन में खटिया रही थे अमूमन हमन ओकर उपयोग कर सन बड़ी सुखाए बर, उसने रानी सोनी के परिवार भी है बड़ी सुखाए बर खटिया में चादर बिछा के बड़ी ला सुखाए रही थे। महिला आईस एती ओती मुआयना करीस और मौका देख के चादर समेत जो चादर रही थे या कपड़ा जिम हम बड़ी सुखोतन पूरा लपेट के रफू चक्कर हो गए। तो ये देखा अपमन अनोखा प्रकार के चोरी बिलासपुर सरकंडा के बिहार मुस्कान के। मजे के बात ये है कि लोगन मन जब ये सीसीटीवी कैमरा में तस्वीर कैद हुई तब पता चलीस कि कोई चोर नहीं है मन के बड़ी बिजौरी ला चुरा के ले जाते, नहीं तो लोगन मन के कहना रहे कि बेंद्रा या मुसवा मन खा देते ऐसे कर देते हुई, मगर जब ये तस्वीर कैद हुई से जो चोरनी के जो बड़ी चोरनी की तस्वीर कैद हुई तब लोगन मन ला यकीन हुई कि नहीं वाकई ओकरो मन के सुखाए बड़ी बिजौरी ला यही चोरनी है हाथ साफ करीस हो ही। और एक शिकायत सरकंडा थाना में भी लोगन मन करे है। तो ये तो रही आज छत्तीसगढ़ के दिन भर के बड़े खबर या जो कहे जाए जिन चर्चा में रही से तेकर महामन गोठ बात करें। कल फिर यही समय फिर आप मन से मिलबो और कल दिन भर के जो छत्तीसगढ़ के बड़े खबर है जो चर्चा में बने रही तेकर विषय में बात करबो। तब तक बोला देवा इजाजत, देखत रहो आप मन के अपन चैनल न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़। जय जोहार।